हाँ जी नमस्ते, मैं नितिन बख्शी, नाइन्थ कंपोजिट हिंदी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिक्स्थ, छठा लेसन जो है हमारा, इत्यादि की आत्मकहानी। ये इतना सुंदर और इतना रोचक लेसन है कि मतलब इस पर जो हमारे लेखक जो है उनको उनकी कितनी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इतनी सुंदर उन्होंने इसको लिखा है कि किस मतलब ऐसे किसी भी विषय पर नहीं, इत्यादि ये जो शब्द है। अब हमने देखा है कि आपको मालूम रहता है कि हमारे किसान की आत्मकहानी, उसके बाद में फौजी की आत्मकहानी, वो आपने देखा है। लेकिन इत्यादि ये जो शब्द है हिंदी में, इसकी आत्मकहानी लिखते वक्त लेखक कितना प्रतिभाशाली होगा। तो ये बहुत ही सुंदर है, इत्यादि की आत्मकहानी, यशोदानंद अखौरी जी ने छठे नंबर का हमारा आज हम कंपोजिट हिंदी का लेसन देखने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आएगा आपको। अखौरी जी जो है वो, इनका जन्म और मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास में किताब में, तो इसलिए हम अखौरी जी भारत मित्र, शिक्षा विद्या विनोद पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं और वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से पढ़े। ये उनका निबंध है एक्चुअली। एक तो ये जो उन्होंने क्या किया है, ये वर्णनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताया। इत्यादि ये जो शब्द है ये अपनी कहानी बता रहा है कि मुझसे लोग कैसे कैसे काम करवाते हैं। ये बहुत सुंदर है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चालू करते हैं हम इत्यादि की आत्मकहानी। जो भी इसमें के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो एज यूजुअल मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके सिवाय अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता भी है बीच में तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है, ये इत्यादि अपने मुंह से बता रहा है अपनी कहानी। इत्यादि जो शब्द है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे ये जो क्या कहेंगे, हमारे भारत में जैसे हमको ये कहना है कि कृषि है, उसके बाद में विज्ञान है, उसके बाद में खेल है, ये सब जो तीन चीजें हैं इनका बहुत विकास हो रहा है। अब मुझे अगर कहते वक्त कृषि के बाद में खेल या विज्ञान याद नहीं आ रहा तो मैं क्या कहूंगा, हमारे देश में कृषि इत्यादि इत्यादि जो चीजें हैं इनका बहुत विकास हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे याद नहीं आया कि खेल और विज्ञान, तो मैंने खेल और विज्ञान की जगह पर इत्यादि का उपयोग कर दिया है, तो और मेरा बात चल गई है। तो ऐसा इत्यादि जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अब ये इत्यादि को अपने बारे में क्या लगता है, क्या कहना चाहता है वो अपने बारे में, ये हम लोग सुनते हैं। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। शब्द समाज का मतलब है शब्दों की दुनिया। शब्दों की दुनिया में इत्यादि का कहना है कि मेरा जो सम्मान कुछ कम नहीं है, मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं। वक्ता और लेखक, ये दोनों को जरूरत इत्यादि की बहुत ज्यादा पड़ती है। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। सभा सोसाइटी में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि सभाओं में क्या होता है, वक्ता को बात करना है, वो भूल गया कि इत्यादि का यूज करता है। ये कहता है याद करना मतलब इत्यादि बोला, तो इत्यादि शब्द का कहना यह है कि मुझे बुलावा आ जाता है इसलिए मैं वहां चले जाता हूँ। उन्होंने इत्यादि कहा कि मुझे जाना पड़ता है। चलो इस तरह है। यदि मैं बिन बुलाए भी वहां पहुंच जाता हूँ तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की तो न जाने क्या दुर्दशा होती, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता था। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी है। इत्यादि इस विषय पर किसी ने कुछ नहीं लिखा, ऐसा इत्यादि का कहना है। संसार में जो जरा भी काम करता है, मतलब इत्यादि का तो कहना है कि मेरे तो इतने बड़े बड़े काम हैं, मैं सबको काम आता हूँ, सबके काम आता हूँ, और जो लोग छोटा मोटा भी काम करते हैं तो उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। पोथे के पोथे का मतलब है, पोथे का मतलब है बड़ी किताबें, उन पर बड़ी बड़ी किताबें लिख डालते हैं, और मैं इतना सबके उपयोग में आता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं लिखा है। पर मेरे लिए एक सतर भी किसी लेखनी से आज तक नहीं निकली है। तो मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। तो उसमें पाठक, इसमें एक भेद है, मतलब उनका कहना है कि पढ़ने वाले लोगों इसमें एक भेद है, मतलब ये गलत है कि मैं इतना काम में आता हूँ कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता और बाकी लोग छोटा छोटा काम करते उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, ये गलत है, ये भेद है इसमें। ठीक है, यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते
तो उनकी योग्यता की कलाई जरूर खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता के दशा में मैं ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ। मतलब शब्द इनका इत्यादि का कहना है कि जो लेखक है, जो बोलने वाले लोग हैं, वो अगर मेरे गुणों के बारे में बताते तो शायद उनके लिए अच्छा होता, वरना वो तो शब्द दरिद्र है। मतलब उनके पास में शब्दों का भंडार नहीं है, शब्दों की संपत्ति नहीं है, वो शब्द दरिद्र है, दरिद्रता है उनके पास में, इसलिए उनको इत्यादि की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ही एक अवलंब हूँ। अवलंब का मतलब है आधार है, वो मेरा ही आधार लेते हैं, मुझे ही पकड़ते हैं कुछ भी हुआ तो, क्योंकि वो तो दरिद्री लोग हैं। दरिद्री का मतलब शब्द दरिद्री, उनके पास में ज्यादा शब्द की संपत्ति नहीं है, जिनको हम इंग्लिश में वोकैबुलरी कहते हैं। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुणावली गाने बैठा हूं, तो मैं आज कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए मैं खुद ही अपने बारे में आपको बताता हूं। आप मुझे अपने मुंह मियाँ मुट्ठू बनने का दोष न लगावे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का मतलब है अपनी तारीफ खुद ही करें, अपनी खुद की तारीफ खुद ही करने वाला, ऐसा मुझे मत कहिए, ऐसा इत्यादि का कहना है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके सिवा मैं अपने बारे में बात भी कैसे कर सकूंगा। ठीक है, आगे इत्यादि क्या कहते हैं देखते। अपने जन्म का सन संवत मिति दिन मुझे कुछ याद नहीं, मैं कब पैदा हुआ ये मुझे याद नहीं, इत्यादि कहते। याद है इतना ही कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था उसी समय मेरा जन्म हुआ था। जब समय अकाल का मतलब है जब बहुत शब्द नहीं थे वहां पर, शब्द दरिद्रता थी। अकाल का मतलब है कि जहां पर एकदम स्केयर सिटी थी। स्केयर सिटी का मतलब है कोई कुछ नहीं अवेलेबल था वहां पर, बिल्कुल शब्द नहीं थे, तो उस समय मेरा जन्म हुआ था। बहुत सुंदर है, उसी समय मेरा जन्म हुआ था। मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है, इत्यादि कहते हैं ना, तो उन्होंने इति शब्द की फोड़ किया है, मतलब उसको दो पार्ट में विभाजित किया है, इति मेरी माता है बोलते और पिता का नाम आदि है। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। अब ये इत्यादि को हम लोग क्या कहते हैं व्याकरण में, ये अव्यय है, ठीक है। मेरे लिए थोड़े गौरव की बात नहीं है क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंशों वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए हैं। ये बहुत सुंदर है कि प्रत्यय अव्यय जो है ये अलग अलग व्याकरण के हमारे प्रांत, मतलब क्या बोलेंगे, कंसेप्ट है। ये प्रत्यय भी अलग है, अव्यय भी अलग है, तो इनका कहना ये है कि मेरे लिए कुछ बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं है, वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। प्रत्यय जो रहते हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है, बहुत ज्यादा महत्व मिला है, जितना अव्यय को नहीं मिला है। मतलब इनका कहना है कि मुझे जितना नहीं मिला है उतना प्रत्यय को मिलता रहा है। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा, ज्योतिष बताते हैं ना, तो ये खुद ही बता रहे हैं कि मेरे बारे में किसी ने कहा कि ये बहुत बड़ा विख्यात होगा, मतलब विख्यात मतलब सब तरफ इसका नाम जाएगा, सबको मालूम पड़ेगा। परोपकारी मतलब दूसरों को ही हेल्प करने वाला, अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर वो मुझे पुकारने लग गए, इसीलिए मैं इत्यादि कहलवाया। उसका कहना है कि मेरा कोई नाम रखा नहीं, मदर का नाम इति और मेरे फादर का नाम आदि था, इसलिए दोनों ने अपना नाम मिला के इत्यादि कर दिया और मुझे उसी नाम से बुलाने लगे। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर मुझे आदि भी कहने लगे। अपन अभी भी कहते हैं आदि आदि, इत्यादि की जगह पर आदि शब्द का भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। पुराने जमाने में मेरा नाम इतना नहीं था। अब देखो इत्यादि ने कितना सुंदर कहा है कि पुराने जमाने में इतना मेरा नाम नहीं था, क्योंकि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी, बहुत ही छोटे छोटे जो बच्चे थे वो बोलता उनसे ही मैं परिचित था। दूसरे, उस समय बुद्धिमानों की बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी नहीं थी। उस समय जो लोग थे वो सब विद्वान थे, उनको भाषा के प्रति बहुत विद्वान थे और उनकी संपन्न थी, शब्द संपन्नता उनके पास में बहुत ज्यादा थी, उनको कभी इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर जैसे जैसे शब्द दारिद्र बढ़ा, जैसे जैसे समय बीतता गया तो विद्वान लोग जो थे वो कम हो गए, अब बाकी आम लोग रह गए। अब उनके आम लोगों के पास में शब्द भंडार तो रहने से रहा, तो फिर उस वक्त वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया, तब इत्यादि की जरूरत पड़ने लग गई, क्योंकि उनके पास में शब्द नहीं थे, फिर शब्द याद नहीं आया कि इत्यादि बोलना, बस इतना ही समझता। आजकल की तो बात ही मत पूछिए, आजकल मैं ही, क्योंकि आजकल के लोग तो इतने पुअर हो गए हैं हिंदी में, इतने कि मतलब पूछे, इतना दरिद्र शब्द दरिद्र आ गया है,
मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही कोई ठहराएगा, मतलब ठहरेगा, मतलब मेरे को इस समय इत्यादि का कहना है कि इतना सम्मान मिल रहा है कि इतना सम्मान किसी को नहीं मिल रहा है। विरला का मतलब है अलग, मैं एकदम अलग हूं आज सबसे। आदर की मात्रा में, आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या बढ़ी चली है। अब मेरा नाम इतना सब लोग जपते हैं कि पूछिए मत। आजकल मेरे अपने नाम हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं में, शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है। तो कहना है अलग अलग, जो हमारे भाषा भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं ना, तो इत्यादि को अलग अलग नाम उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है, मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा भेष बनकर मैं सर्वत्र विचरता हूँ। विचरता का मतलब मैं सब जगह घूमता हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हमें शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। तो परमेश्वर ने शब्दों ही सब कुछ बनाए हैं। शब्दों के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। अब आप ही सोचिए, अगर शब्द नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में कैसी जानकारी रहेगी, जानकारी हो ही नहीं सकती। तो शब्द ही सब कुछ है, सर्वव्यापक बनाया है। इसी से मैं एक ही समय अनेक ठौर काम करता हूँ, उनका कहना है। इसलिए मैं अलग अलग जगह पर अलग अलग समय काम कर सकता हूँ। इस घड़ी भारत के पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। भारत के पंडित लोग जो है, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, उनको भी इत्यादि का उपयोग करना पड़ता है। जहाँ देखिए वहीं मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। दूसरों को हेल्प करने के लिए इत्यादि का कहना है कि मैं परोपकार करने के लिए, परोपकार का मतलब है दूसरों को हेल्प करना, दूसरों पर उपकार करना, उसको कहते हैं परोपकार। क्या राजा, क्या रंग, क्या पंडित, क्या मूर्ख, किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता। मैं किसी के भी घर जाता हूँ। राजा रहो, रंग रहो, पंडित रहो या मूर्ख रहो, अपनी मानहानि समझता नहीं। इसे मैं अपना मानहानि का मतलब, मैं इसे अपना अपमान नहीं समझता। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं, वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, आदर चाहते हैं। हाँ, बाकी शब्दों में इनका कहना है कि ये गुण नहीं है मेरे जैसा। वो बाकी शब्दों को अगर बुलाया जाए ऐसे राजा, रंग, पंडित, वो तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये मैं मूर्ख लोगों के साथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको अपना स्टेटस है, मतलब वो अपनी अपने हिसाब से रहते हैं। लेकिन इत्यादि का कहना है कि मुझे जो भी बुलाता है, मैं किसी के भी पास जाता हूँ, मुझे कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा ही करते हैं दोस्तों। एक सेकंड, एक मिनट। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं, वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं। उनको बहुत स्टेटस लगता है कि नहीं नहीं हम जाएंगे तो हमको सही शब्द, सही व्यक्ति के पास में जाएंगे। आदर चाहते हैं, आदर के साथ उनको बुलाया जाए तो ही जाते हैं। इनका जाने पर सम्मान का स्थान न मिलने पर रूठ कर उड़ भाग जाते हैं। मतलब बाकी जो शब्द है उनका कहना है कि अगर उनको बराबर ढंग से हम लोग ये नहीं कर, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वो भी हमारे साथ रहते नहीं। मुझ में यह बात नहीं है, इसीलिए मैं सबका प्यारा इत्यादि का कहना यह है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, मुझे कोई भी बुलाए, कभी भी बुलाए, मैं चला जाता हूँ, इसलिए मैं सबका प्यारा हूँ। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। ठीक है, संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता? ऐसा कोई व्यक्ति बताइए कि जिसने मुझे बुलाया और मैं नहीं गया। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बढ़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता। वैसे ही मैं छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। अरे वाह, इनका बहुत सुंदर ये उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो दरिद्री लोग हैं, जिनके पास में ज्यादा पैसा नहीं है, उनको अगर किसी फंक्शन में जाना है तो वो क्या करते हैं कि भाड़े से लेके कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर वहां जाते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि वो बहुत दरिद्री है। और वो उस फंक्शन के लिए वो अच्छे समारंभ में जो जहाँ पर भी जा रहे हैं वहां पर वो अच्छे दिखते हैं। तो इसका कहना यह है कि मैं तो, मेरा तो ऐसा भी नहीं है, मैं किसी को निर्धन नहीं समझता हूँ। उल्टा है मेरा कि जितने निर्धन लोग हैं, मैं जितने निर्धन के जैसा जो छोटे वक्ता है, जो छोटे लेखक हैं, उनकी शाब्दिक दरिद्रता छुपाने के लिए तो मैं उनके साथ में कभी भी जाने नहीं गया। आप बोलेंगे कि आपको मैं एक दो उदाहरण देता हूँ उनका, दृष्ट अपने इसका कहना है इत्यादि का, मैं आपको दो दो उदाहरण देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। दृष्टांत का मतलब है उदाहरण देता हूँ, तो ताकि आपको ये बात समझ में आ जाएगी मेरी बात बराबर।
वक्ता महाशय वक्तृत्व देने के लिए उठ खड़े हुए, एक वक्ता महाशय का उदाहरण दे रहे, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत करनी चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ उनको। इधर उधर से सुनकर दो एक शास्त्रों और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया है, कहने को तो खड़े हुए हैं पर कहे क्या। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतरने और मुंह पर रुमाल दिए हुए खांसते खुसते इधर उधर ताकते, ऐसे वक्ताओं के बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि जो बराबर ढंग से किताबें पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं है तो फिर क्या होता है कि वो एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब तुरंत उनको समझ में आता है कि जो अपने को बोलना है उसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है, फिर क्या करेंगे या अपने मुंह से रुमाल लगाते हैं कि अब क्या करूं क्या बोलूं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में ये कह रहे हैं, दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगता है, मतलब पसीना आ जाता है उनको क्योंकि याद नहीं रहते शब्द। जो मुखकमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझाने लगा है। उनके चेहरे पर पहले कितनी खुशी थी भाषण चालू करने से पहले, ऐसे वक्ताओं के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अब जैसे ही भाषण करने के समय आता और शब्द सूझ नहीं रहे हैं तो चेहरे पर पसीना आ गया है और एकदम मुखकमल जो है उनका वो एकदम मुरझाया गया है। ग्लानि और संकोच, ग्लानि का मतलब क्या है, लज्जा से, ग्लानि का मतलब है लज्जा, ठीक है। तो उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया, उनकी ऐसी दशा देख के इत्यादि कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा हृदय उमड़ आया मतलब मेरे दिल भर आया। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ, उन्होंने बुलाया नहीं मुझे लेकिन मैं उनके बाजू में जाके खड़ा हो गया। मैं उनके कानों में चुपके से कहा, इत्यादि कहते हैं, मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं हूं, आपके जी में जो आवे प्रारंभ कर दीजिए, फिर तो मैं कुछ निभा लूंगा। वाह क्या बात है, इत्यादि ने कहा कि आप बेफिक्र रहो, आप चालू हो जाओ, बस बाकी आगे मैं देख लूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर, ढाढ़स का मतलब है मेरा इनकरेज करने पर, थोड़ा धीर बंधाने पर उनको जरा मैंने समझाया कि आप बेफिक्र होइए, घबराइए मत, मैं बैठा हूं वहां पर, ऐसा ढाढ़स जैसी बंधाया, बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। उनका मन फिर जो के तो हरा भरा हो उठा, फिर खुश हो गए, चलो अभी कुछ बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में चिंता का चिन्ह का बादल दिखा था, अब वो एक बार भी फट गया। पहले वो जो ग्लानि वानी आई थी उनके चेहरे पर, अब सब निकल गए, खुश हो गए वो, उत्साह का सूर्य फिर निकल आया, फिर खुश हो गए वो। अब लगे वो जो वक्तृत्वता झाड़ने, अपनी वक्तृत्वता शुरू कर दी, मतलब वक्तृता मतलब अपना भाषण उन्होंने चालू कर दिया। महाशयो धम्म शास्त्रकार पुराणकार दर्शनकारों ने जो कर्मवाद इत्यादि जिन इत्यादि, हाँ देखिए फिर से उनका आगे का क्या बोलना है याद नहीं आया, कर्मवाद या और उसके आगे क्या बहुत सारे वाद बोलने के थे याद नहीं आया, इत्यादि जिन दार्शनिक तत्व रत्नों का भंडार भारत रत्नों को भारत के भंडार में भरा गया है उन्हें देखकर मैक्स मूलर इत्यादि पाश्च इत्यादि, अब मैक्स मूलर के साथ में और भी पाश्चात्य पंडितों के नाम उनको बोलना था लेकिन एक भी पाश्चात्य पंडित का नाम याद नहीं आ रहा तो इसलिए उन्होंने चालू कर दिया। मैक्स मूलर इत्यादि वगैरह जो पाश्चात्य पंडित है सब लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बस क्या बात है, इत्यादि की हेल्प लेके चल रहे आगे, कोई हेल्प करने को नहीं रहा, आपको शब्द सूझ नहीं रहे तो इत्यादि आपको हेल्प करने के लिए आ जाता है। इसलिए जिनको बोलते वक्त अगर बहुत कुछ सूझता नहीं है तो इत्यादि की मदद लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, सुनिए, और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चल रहा था। समालोचक, समालोचक मतलब क्या है, जिसको हम कहते हैं कमेंट्री करने वाले लोग, टिप्पणी करने वाले लोग, ठीक है। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचन के लिए समालोचक साहब के सामने आई तब वे बड़े प्रसन्न हुए। ग्रंथकार, अब देखिए ग्रंथकार मतलब लिखने वाला, समालोचक मतलब टिप्पणी करने वाला, ये दो लोग थे, ये दोनों में मनमुटाव चल रहा था, मतलब दोनों का झगड़ा चल रहा था, दिल ही दिल में झगड़ा चल रहा था। मनमुटाव का मतलब है दिल ही दिल में झगड़ा, तो झगड़ा चल रहा था। अब जैसे ही ग्रंथकार की कोई एक किताब ये टिप्पणी करने समालोचक साहब के सामने आ गई, वो बहुत खुश हो गए क्योंकि यह दाव तो वो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, नहीं तो दोनों में झगड़ा था ही। अब ग्रंथकार ने बोला होगा कि मेरी इस बुक पे टिप्पणी कीजिए आप, तो ये तो रहा ही देख रहा था कि चलो आप देखता हूँ। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलट कर उन्होंने देखा, कहीं किसी प्रकार के विशेष दोष पुस्तक में उन्हें न मिला। उनको लगा कि किताब में तो उन्होंने किताब देखी उस ग्रंथकार की, लेकिन उसमें कहीं कोई दोष नहीं मिला,
बहुत सुंदर लिखी हुई किताब थी। दो एक साधारण छापे की भूल निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की त्रुटि नहीं होती। तो एक दो प्रिंटिंग मिस्टेक, जिसको हम छापे की भूल जो बोलते हैं, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक किताब में थी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाराज के मन मन में मैं याद आ गया। अचानक समालोचक को क्या हो गया, इत्यादि बोले मेरी याद आ गई। तो फिर क्या हुआ, वे झटपट मेरी शरण में आ गए। फिर क्या है, पाव बाहर चालू। उन्होंने उस पुस्तक की यो समालोचना कर दी। कैसी, पुस्तक में जितने दोष हैं, क्या लिखा उन्होंने देखो, उनको तो मालूम था दोष कुछ ज्यादा है नहीं। पुस्तक में जितने दोष हैं उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना तथा अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते। देखिए ना, पर एक दो साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे एक दो इत्यादि इत्यादि। इसके बाद में ज्यादा दोष तो थे ही नहीं, एक दो दिखा दिए और आगे इत्यादि इत्यादि लिख दिया, बस खत्म, बात हो गई काम। पाठक देखें, इत्यादि कह रहा है कि पाठक मतलब जो पढ़ने वाले लोग हैं, आप देखो समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया, क्योंकि उनको गलतियां दिख नहीं रही थी, लेकिन इत्यादि इत्यादि करने से गलतियां बढ़ गई। कितना सुंदर, यदि यह अवसर आपके हाथ से निकल जाता तो वो अपने मनमुटाव का बदला कैसे लेते। अब नहीं तो भी समालोचक साहब का ऐसा था कि उनका झगड़ा ही था ग्रंथकार के साथ में, तो इस बहाने इत्यादि की मदद लेके उन्होंने एक दो गलतियां थी उसको इत्यादि इत्यादि कह के बढ़ा दिया, खुश हो गए वो लोग। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात, यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते कि वह पुस्तक सर्वसाधारण आंखों में भली भांसने लगती है और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। मतलब बुरी समालोचना करने की जरूरत पड़े या अच्छी, लेखक इत्यादि इत्यादि की, समालोचक जो है इत्यादि इत्यादि की हेल्प लेके ही लिखते हैं ताकि बाकी लोगों को वो किताब बहुत अच्छी लगती है। मतलब जैसे लिखना है कि उसमें बहुत अच्छी बातें हैं तो एक दो ही बातें इसके समझ में आती है, फिर लिखना कि इसमें ये इत्यादि इत्यादि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। ऐसा लिख दिया तो लोगों को क्या लगता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो इसलिए इस किताब की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, वो इसलिए उसका सेल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कहां तक कहूं, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूं, इत्यादि का कहना देखो, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूं, जिसे युक्ति नहीं सूझती उसे युक्ति सुझाता हूं। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं सूझती तो मैं भाषा जुटाता हूं। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूं, मतलब इत्यादि उपमा भी बन जाता है। सच पूछिए तो मेरे पहुंचते ही अधूरा विषय पूरा हो जाता है। कितना सुंदर अपनी आत्मकहानी लिखी है। बस क्या इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती, इत्यादि का कहना है, क्या इतना ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है मेरा। चलिए चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं, समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, बराबर, समय के साथ सब कुछ बदलते रहता है, परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया, इत्यादि का कहना है कि लोगों ने भी मेरा रूप जो है वो अभी समय के साथ परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशतः ज्यादा से ज्यादा मुझे आदि के रूप में लिखा गया है, लिखा जाने लगा है। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। इनका कहना यह है कि आदि जो अभी आजकल इत्यादि के बजाय लोग क्या कहते हैं, आदि लिखते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर जो निबंध है, ये एक इत्यादि की आत्मकहानी, ये यशोदानंद अखौरी जी ने लिखा है, और ये हमारा ये जो लेखक है यशोदानंद अखौरी जी, इनकी प्रतिभा को हम लोग बिल्कुल सैल्यूट करते हैं कि ऐसे विषय पर निबंध लिखना ये कोई आम इंसान का काम नहीं है, ये लेखक में बहुत बड़ी प्रतिभा है, इसलिए इत्यादि की आत्मकहानी वो लिख पाए हैं। तो दोस्तों ये जो आत्मकहानी है, ये जो हमारा लेसन था, आज का पाठ था हमारा छठे नंबर का, ये आज यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया, आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकेस कई बात आपको समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार ये वीडियो आप देख सकते हो, उसके बाद में इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी है आपकी, और दूसरा वर्कबुक अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। वर्कबुक में अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, आराम से रुक रुक कर वीडियो देखिए ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो आपको मैंने समझाई है वो एक एक बार ढंग से आराम से समझाई है, इसलिए कोई फिक्र नहीं कीजिए। और जितने भी कठिन शब्द हैं वो सब यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं,
तो आपको कोई भी हर कठिन शब्द का मतलब जो है वो मालूम पड़ जाएगा, और कोई भी कोई कठिन शब्द नहीं समझा है उसमें का ऐसा लेसन में का, तो वो आपको वीडियो में देख कर समझ जाएगा, क्योंकि बाकी बचे हुए कठिन शब्दों के अर्थ मैंने ये लेसन आप हमने जो समझाया तब उसमें मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है वो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि आप सीमा बख्शीश माय बोली क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 9 कंपोजिट के हमारे हिंदी के जो लेसन्स हैं वो इसी तरह मैं आपको बताता रहूँ, एक्सप्लेन करता रहूँ, इस यूट्यूब पर जो मेरे वीडियोस के थ्रू आपको डालता रहूँ, और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।